की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि कैसे आपको सीयूसीटी एग्जाम के लिए अप्लाई करना है ना, कहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या डिटेल्स डालनी है, कैसे रजिस्टर करना है। तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इस वीडियो के एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हो तो उससे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे वो ठीक है प्लेसमेंट रिव्यू हो, चाहे वो यहाँ के कॉलेज कैंपस रिव्यू हो, कॉलेज रिव्यूज हो, कोई भी ऐसी वीडियोज अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। उसके बाद शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर आ जाना है, गूगल के ऊपर आके आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सर्च कर लेना है और cuchd.in वाली वेबसाइट पे आ जाना है। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आपको सारा कुछ, जैसे कि 900 से ज्यादा कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई, 9500 ऑफर मिले, अब 9500 बच्चे प्लेस नहीं हुए, ये बात भी ध्यान रखना। प्लेसमेंट रिव्यू वाली वीडियो में जाके इस बात का पूरा सच दे सकते हो। हाईएस्ट यहाँ का जो पैकेज है वो 54 लाख का है, मैनेजमेंट का 28 लाख का है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लिंक CUCT की ऑफिशियल वेबसाइट का, तो आपको इसके ऊपर चले जाना है। ये है CUCT की ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पे आपको CUCT के बारे में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ जो CUCT क्या है। CUCT एक यहाँ का टेस्ट है, यहाँ पे ऐसे देखने को भी मिल जाएगा। CUCT की फुल फॉर्म क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी रहता है। बिना CUCT के एग्जाम के आपकी यहाँ पे एडमिशन नहीं होने वाली है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो CUCT एग्जाम रहेगा वो घर पे आपका होने वाला है, होम बेस्ड एग्जाम रहता है, जिसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए होगा और माइक चाहिए होगा। बिना लैपटॉप के आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, ना ही आप फोन पे एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे एग्जाम होगा आपका, जब आप रजिस्टर कर देंगे इमीडिएटली, जिस रजिस्टर करने के बाद जब भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम पे आप CUCT के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। CUCT की लास्ट डेट क्या है, वैसे तो CUCT जो चलने वाला है वो अभी अगस्त से सितंबर तक चलने वाला है, लेकिन आपको एक बात ये बता दूं कि जो CUCT का एग्जाम है वो दो फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 फेज 2। अगर आप फेज 1 की लास्ट डेट पूछे तो वो है 29 मई, अगर फेज 2 की लास्ट डेट पूछे तो वो सितंबर तक जाएगी, 30 सितंबर तक। लेकिन अगर आप फेज 1 में रजिस्टर करते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो ज्यादा मिलती है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, CUCT जैसे कि 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है आपका, टोटल 100, उसमें 100 ही क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, टोटल 120 मिनट्स, 2 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, जो आपको घर पे अपने लैपटॉप पे बैठ के देना है। अगर आप 100 में से 90 से अबव स्कोर करते हैं तो आपको मिलती है 100% स्कॉलरशिप, चाहे आप फेज 1 में एग्जाम दे चाहे फेज 2 में दे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आएगा, अगर आप फेज 1 में एग्जाम देते हो और आपके मार्क्स आते हैं 80 से 90 के बीच में तो आपको मिलती है 50% स्कॉलरशिप, और अगर आप फेज 2 में देते हैं तो आपको मिलती है 40% स्कॉलरशिप। सिमिलरली अगर आप फेज 1 में एग्जाम देते हैं, आपके अगर 50 से 59 के बीच मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 25% स्कॉलरशिप, और अगर फेज 2 में आते हैं तो 50 से 59 के बीच में आपको मिलेगी सिर्फ 15% स्कॉलरशिप। मतलब आप 10% की स्कॉलरशिप लूज कर देंगे फेज 2 में रजिस्टर करने से। तो अगर आप भी चाहते हैं CUCT, अगर आप मतलब CUCT का एग्जाम देना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। अब आपको रजिस्टर कैसे करना है, आप ये वाली मेन वेबसाइट पे आ गए, ये वाली आपको मेन वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपनी सिटी डालनी है। अगर आपकी सिटी यहाँ पे लिस्ट नहीं हो रही तो सबसे नियरेस्ट जो आपकी सिटी रहेगी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना है कि जैसे मैं यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहता हूँ उसमें से मुझे कौन सा कोर्स करना है। तो जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे कि मैं BBA करना चाहता हूँ तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, कौन सी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, वो आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, रजिस्टर करना है। सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्टली डालिएगा, क्योंकि बाद में आपको इसको एडिट करने का मौका नहीं मिलने वाला। अपना नाम बिल्कुल आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालना, ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालना, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आने वाली है। तो कोई भी गलती यहाँ पे फॉर्म भरने में बिल्कुल मत करना। जैसे आप रजिस्टर कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी के पास ऊपर आपको सारी डिटेल्स आ जाने वाली। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको ईमेल आईडी या CUCT आईडी आएगी यहाँ पे डालना है, जो पासवर्ड आपने रखा होगा यहाँ पे फिल करना है। पासवर्ड यहाँ पे फिल करने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करते ही आपके सामने जो डैशबोर्ड है CUCT का खुल जाएगा। उसके ऊपर वहाँ पे जाके आपको ऑप्शन आएगी कि आपको बुक योर CUCT एग्जाम, या उसको आप वहां पे मतलब बुक योर एग्जाम स्लॉट, ऐसी ऑप्शन आएगी, वहां पे आपको जाके क्लिक करना है और अपने CUCT एग्जाम को बुक कर लेना है। अपने CUCT एग्जाम को आप कहीं भी चाहे मतलब जो जिस भी डेट को आप चाहे डेट एंड टाइम पे बुक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जो भी डेट आपको सही लगती है, जो भी टाइम आपको सही लगता है, उस पर आप शेड्यूल कर सकते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के बाद। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद जैसे आप अपना एग्जाम शेड्यूल कर लेंगे तो एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। वो एडमिट कार्ड आपको वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मतलब आपकी ईमेल एडमिट कार्ड में क्या आएगा, आपकी ईमेल के ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो टेस्ट का लिंक है, ये टेस्ट का आपका यूजर नेम है, ये टेस्ट का आपका पासवर्ड है। फिर आपको उस तारीख को उस टाइम के ऊपर एग्जैक्ट टाइम से पहले आप अपने सारे सिस्टम चेक जरूर कर लेना। आपको एक मतलब सिस्टम चेक का भी टेस्ट आएगा, तो वो टेस्ट भी जरूर देना, जिसमें कि आप अपना सिस्टम चेक करेंगे कि जो मेरा सिस्टम है वो बिल्कुल सही है या नहीं। वो आप अपने लैपटॉप पे चेक कर लेंगे जहां पे आप एग्जाम देना चाहते हैं। सिस्टम चेक के बाद जिस दिन आपका एग्जाम होगा, आधा घंटा पहले लॉग इन किए, उस लिंक को चला के देखे, अपने लैपटॉप को अच्छे से चार्ज कर लें। उसके बाद जब वो लिंक को
आप खोल लेंगे, लिंक खोलते आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है और पूरे एग्जैक्ट टाइम पे, जैसे आपने 10 बजे का टाइम सेलेक्ट किया था तो 10 बजे आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। कोई भी चीटिंग करने की ट्राई मत कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको जो ऑनलाइन है सामने आपके रिक्रूटर बैठ के देख रहा होगा, मतलब एक बंदा बैठ के देख रहा होगा जो आपको एग्जाम देते हुए। अगर आपने 2 से 3 से ज्यादा बार चीटिंग करने की ट्राई की, उसने आपको पकड़ लिया, तो आपका जो टेस्ट है 3 बार वार्निंग देकर कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा सीयूसीटी के एग्जाम के लिए फीस और फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि अगर आप मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें, बिल्कुल सीरियस होकर टेस्ट दे, और टेस्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से देना, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और इस टेस्ट को पहली बार में ही सही देने का ट्राई करें, क्योंकि अगर आपको दूसरा अटेम्प्ट देना पड़ेगा तो उसके लिए आपको 500 फीस अगेन देनी पड़ेगी। तो ट्राई करिएगा कि आप पहली बार में ये टेस्ट क्लियर कर ले। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको कैसे क्रैक करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी बुक्स यूज करनी है, इसके लिए मैंने अलग से ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है जो मेरे चैनल पे आप जाके ऑलरेडी देख सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट्स वगैरह नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।